जनपद सिद्धार्थनगर में प्रशासन द्वारा काफी अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना की इस जंग से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनपदवासी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सैंपल कलेक्शन सेंटर्स काफी बनाए गए हैं जहां पे सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसी के लिए यहां पर कम्युनिटी किचन स्टार्ट किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति इस जिले में भूखा ना सोए। निशुल्क राशन वितरण जिनको देना है उनको दिया जा रहा है। काफी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे उनको सभी को भोजन की, बेड की, सोने की पर्याप्त व्यवस्थाएं रहें और वो अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके घर जा सके। समस्त प्रकार की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए एवं ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो सभी जन सामान्य को मिल रही हैं, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस कंट्रोल रूम में समस्त विभाग जिसमें पुलिस, राजस्व, सप्लाई, सफाई कर्मचारियों से संबंधित DPRO ऑफिस, समस्त विभाग इस कंट्रोल रूम में बैठते हैं। इसी के क्रम में स्वयं सहायता समूह के द्वारा काफी मास्क बनाए गए हैं जिन मास्क को वितरण किया जा रहा है और अभी आगे भी उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। उनके द्वारा विकलांग लोगों के लिए एक खास तरीके का पारदर्शी मास्क का भी निर्माण किया गया है। मनरेगा में भी यहाँ पे काफी अच्छा काम किया गया है जिसमें 1.25 लाख लेबर आज के टाइम पे इंगेज्ड हैं जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। इसी के क्रम में हॉस्पिटल्स में भी जो व्यवस्था पेशेंट्स के लिए दी गई है वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं इसमें चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन एकजुट होके जनपद सिद्धार्थनगर में इस महामारी के अगेंस्ट लड़ रहा है। हमारे पुलिसकर्मी जो फ्रंट लाइन पर कोरोना से जूझ रहे हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसी क्रम में प्रत्येक थाने पर हैंड फ्री सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है, हर ऑफिस में, हर इकाई में इस मशीन को लगाया गया है। हर पुलिसकर्मी को और जो भी पुलिस विभाग के साथ हमारे होमगार्ड्स हैं, ग्राम प्रहरी हैं, PRD के जवान हैं, उन सबको एक पर्सनल कोरोना प्रोटेक्शन किट उपलब्ध कराई गई है। और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स लेखपाल हों, आशा हों, आंगनवाड़ी हों, सफाई कर्मचारी हों, तहसील का स्टाफ हो, चिकित्सा स्टाफ हो, सभी के द्वारा बहुत परिश्रम किया जा रहा है। सभी अपनी जान जोखिम में डालकर बिल्कुल अडिग लोगों के लिए खड़े हुए हैं। मैं उन सभी को सल्यूट करता हूं और सभी के जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा और कोशिश यही रहेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर में जो अब तक ऐसी महामारी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई हो आगे भी ये क्रिएट हो।